करौली जिले के टोडा भीम में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान विवाद खड़ा हो गया, जिसमें तत्कालीन एसडीएम के साथ अभद्रता और खींचतान की घटनाएं सामने आई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि एसडीएम ने खातेदारी भूमि पर बने मकानों को हटाने की कार्रवाई की, जिसे ग्रामीणों ने अनुचित और मनमानी करार दिया। इसके साथ ही एसडीएम पर अवैध वसूली के भी आरोप लगाए गए हैं। घटना के दो दिन पहले ही एसडीएम का टोडा भीम से ट्रांसफर हो चुका था, लेकिन अब तक इस विवाद को लेकर किसी भी पक्ष द्वारा कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। करौली के एसपी सुजीत शंकर ने मामले का संज्ञान लिया है और मौके पर तैनात पुलिस बल की लापरवाही को जिम्मेदार माना गया है। इसके परिणाम स्वरूप ड्यूटी ऑफिसर एएसआई बनी सिंह को निलंबित कर दिया गया, जबकि थाना अधिकारी दिलीप वर्मा को लाइन हाजिर करते हुए 17 सीसीए के तहत नोटिस जारी किया गया। एसपी सुजीत शंकर ने स्पष्ट किया कि जिले में कानून व्यवस्था को किसी भी स्थिति में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा और इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। टोडा भीम में प्रशासन और ग्रामीणों के बीच यह विवाद अब जिले भर में चर्चा का विषय बन गया है। घटना ने प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली और निर्णयों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है।